गाइस अभी ना हम देख रहे थे शादी वाला मेरा वीडियो देख रहे थे। श्वेता कह रही थी कि वीडियो देखना है और इतनी देर से देख रहे थे तो अभी 12:30 हो रहे हैं और हम ना आधी रात को इमोशनल हुए पड़े हैं हम दोनों। तो मैंने ना इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो जब विदाई हो रही थी तो उसमें बहुत सारे इमोशनल सीन्स थे ना, तो मैं अभी इमोशनल हो गई थी। तो मेरी मम्मा कुछ ज्यादा ही रो रहे थे तो उनको देख के मैं भी इमोशनल हो गई और मैंने श्वेता को देखा, श्वेता का मुंह ऐसे चलो मैं तो हो ही गई थी, बट ये भी बेचारी बहुत इमोशनल हो गई थी। तो अभी ना मुझे व्लॉग एडिटिंग करना है, तो अभी सबसे पहले व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। और साथ में मैं आपको बता दूं, कल ना मम्मा जा रहे हैं, मेरे रामनगर वाले मायके वाले मम्मा जा रहे हैं उधर मिंदल माता जा रहे हैं, तो उनसे भी मुझे मिलने जाना है सुबह सुबह। तो वो 5 बजे निकलेंगे घर से, 6 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे, तो मुझे भी यहाँ से जल्दी ही जाना पड़ेगा। और ऊपर से बाहर लगी है बारिश, तो कल पता नहीं क्या हाल होता है। और मैंने इसको बोल दिया है कि कल तूने मेरे साथ जाना सुबह, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी जाना होगा तो फिर हम पैदल ही जाएंगे, ये भी नहीं है घर पे तो कौन जाएगा हमें छोड़ने। तो हम वैसे ही मम्मा से मिलने जाएंगे। तो ये रहा हमारा लैपटॉप, तो अभी हमारी चल रही एडिटिंग। एवरीवन गुड मॉर्निंग, जामा दादी वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रभाकर व्लॉग्स। तो गाइस कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। और आज है 1 जून और मैंने आपको बताया था कि मेरे रामनगर वाले मम्मा जा रहे हैं मिंदल, तो अभी मैं जल्दी जल्दी से रेडी होकर उनसे जा रही हूँ मिलने। और वैसे ना थोड़ा थोड़ा मेरा मन भी करता जाने का, लेकिन नहीं जा सकती। सो अभी आप देख रहे होंगे श्वेता की ड्रेस चेंज हो गई है, तो वजह ये है कि हम ना पहले आए थे यहाँ पे, हमें सोचा कि चलो मम्मा उनके साथ ना हम भी वहाँ पे मत्था टेक के आएंगे माता के, क्योंकि पहले वो उधर चक्र में एक माता है उधर मत्था टेकना था, उसके बाद जाना था। तो ड्राइवर ने ना गाड़ी नहीं रोकी, फिर हम वापस घर चले गए। तो फिर मम्मा कहते हैं कि कोई बात नहीं आप आते टाइम मिल लेना, तो अभी मम्मा ने फोन किया था कि वो निकल गए हैं, तो अभी हम फिर से आ गए। और श्वेता बेचारी आलू के परांठे बना रही थी, तो मैंने इसको बोला यार छोड़ आलू के परांठे आके बना लेना, तो अभी हम मम्मा से मिल लेते हैं। अभी मम्मा और ना हमारा इतना वेट करवा रहे हैं, अब पता नहीं, पहले तो कह रहे थे कि हम ना जल्दी से आ रहे हैं 5 मिनट में, हमें यहाँ पे खड़े तो कोई 15 मिनट हो गए और अभी तक नहीं आए हैं। और ऊपर से हवा चल रही है और साथ में इतनी तेज धूप। और श्वेता ने ना एक आईफोन देखा, तो मुझे कहती भाभी एक आपसे ना हेल्प चाहिए, तो मैंने बोला हाँ भाई बोल, तो कहते कि भाभी आप अपनी एक किडनी भेज दो मुझे आईफोन दिला दो। ऐसे यहाँ से ही पता चलता है, यहाँ से ही पता चलता है यार कितने सेल्फिश हो जाते हैं आजकल अपने। हाँ आजकल अपने भी पराये हो जाते हैं। अरे भाभी मैं सच में थोड़ी निकाल दूँ आपकी किडनी, मुझे आलू के परांठे कौन खिलाएगा फिर। आलू के परांठे तो आजकल तूने सीख लिए बनाना, वो अलग बात है कि मेरे से ही सीखे, कभी हम मम्मा उनको वेट कर रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। और ऊपर से ना मैं अपने हेयर वॉश करके आई थी, लेकिन मुझे लग रहा है दोबारा करने पड़ेंगे, इतनी ज्यादा धूल मिट्टी है ना, मम्मा को कॉल करना पड़ेगा फिर से। अगर उन्होंने पहले देखा नहीं ना तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी होगी, क्या चला जाता है यार। कोई बात नहीं, अब ना मैं लड़ूंगी, अब सबसे लड़ूंगी क्या करो हथियार फिर। हाँ तो लड़ूंगी अब, आने तो दो एक बार आएंगे। गाइस आज ना मीनाक्षी की पत्नी गई थी, ही गई थी पत्नी टॉप, और ये सुबह सुबह भी मेरे से मिलके नहीं गई थी, सुबह सुबह भी ऐसे ही निकल गई थी। मैं आई पूछने कि आंटी मीनाक्षी कहाँ पे, तो वो कहते कि वो निकल गई। और उसके बाद हम मम्मा से मिलने चले गए, और उसके बाद हम जैसे ही घर आए ना मुझे इतनी ज्यादा आज हेडेक हुई, पूरा दिन मेरा बहुत बुरा निकला है, बहुत मुश्किल से मैंने आज घर के काम भी किए। और पीछे पीछे ये आ गई है बीच में,
कैसे खेल रही है? तो अभी ना जैसे ही मम्मा ऑफिस से आए तो उन्होंने मेरे को उठाया और उसके बाद मैंने दवाई वगैरह ली, तो अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। सभी को चाय शाय पिलाई तो ना मैं अभी इनके घर पे इधर आई। इनका घर क्या, हमारा ही घर है, एक ही घर है ये। तो मैं आंटी को पूछने आई कि मैंने बोला आंटी आप ना वो मीनाक्षी को कॉल करके पूछो कि मीनाक्षी कहाँ पहुंची है। आंटी बोलते यहाँ पे है। मुझे समझ नहीं आया पता क्या बोल रही। मैंने वो कहाँ पे बोलते रूम में वो लड़की का ना न जाने का पता ना आने का पता। बहुत समझदार लड़की है और आजकल ना ये बड़ी पता नहीं चुपसी हो गई, पता नहीं क्या है इसको। रिजल्ट की ना बहुत ज्यादा टेंशन है, तो इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। माता रानी हमेशा तेरे साथ है। अच्छा बच्चों के साथ माता रानी हमेशा साथ ही रहती है, तो मीनाक्षी का रिजल्ट आ जाए अच्छा अच्छा और फिर हम मीनाक्षी से लेंगे पार्टी और फिर हम जाएंगे इनके घर सनासर घूमने। घुमाएगी ना मेरे को? हाँ। क्योंकि मैं ना कभी सनासर नहीं गई हूँ, तो मीनाक्षी ने मुझे कहा प्रॉमिस किया है कि जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो मुझे सनासर घुमाएगी। ठीक है, पक्का प्रॉमिस? हाँ। तो फिर आज पिकनिक में कितना मजा किया? बहुत मजा किया, पर चल चल के ना टांगे घूमी। हाँ गर्मी बहुत ज्यादा थी वैसे, उधर तो नहीं होगी? हाँ मतलब थी इतनी नहीं, लेकिन यार अपनी कंपनी अच्छी हो तो गर्मी नहीं लगती। जब हम भी जाते थे ना पत्नी टॉप पिकनिक कहीं भी तो बहुत मजे करते थे यार, और हम बैठते थे बस की ना लास्ट सीट पे, इतने मजे करते थे ना। और आज जैसे मीनाक्षी जा रही थी ना तो मुझे अपनी याद आ रही थी कि यार हम भी जाते थे एक टाइम पे। तो अभी ना मैं गई थी श्वेता उनके घर पे मीनाक्षी से मिलने, और इनके घर में अंदर इतनी गर्मी है ना, ऐसा लग रहा था कि रूम हीटर लगा के रखा है, और बाहर तो ऐसा लग रहा है जैसे एसी लगा है, इतना मस्त मौसम है। और आज ना मच्छर नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो इस टाइम ना इधर बाहर बैठे नहीं जाता, इतना मच्छर होता है। और साथ में मैंने मम्मा को अभी भी कॉल किया था, तो मम्मा कह रहे कि हम इस वार्ड पहुंच गए, तो आज वहां पे स्टे करेंगे और मॉर्निंग में जाएंगे मिंदल। मेरा ना सच्ची में बहुत ज्यादा मन कर रहा था मिंदल जाने का, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी। तो एक और गुड न्यूज़ बताती हूँ मैं आपको, पता क्या हुआ? ये जो लड़की है ना, इसको आप देख रहे हो, ये ना घर जाने के लिए ना बहुत एक्साइटेड थी सरासर जाने के लिए, तो पूरा प्लान कर दिया था इन्होंने कि हम चले जाएंगे 6-7 को। और इनको कॉलेज से फिर से बुला लिया, इनको मतलब इसको कॉलेज से फिर से बुला लिया, सो अभी ये नहीं जा पाएंगे, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरा भी ना मन लगा रहता है। तो मुझे जब कहीं आगे पीछे जाना होता है ना तो ये मेरे साथ अवेलेबल होती है, मतलब हर टाइम मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि यार अभी ये बिजी होगी, ये होगा वो होगा, तो ये कभी ना नहीं करती है मुझे। लड़की की ना मतलब एक ननंद की कमी ना मुझे हमेशा फील होती है, मतलब ऐसे तो चलो शिवानी दीदी वगैरह सब आ जाते हैं, लेकिन जब कोई नहीं होता तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे फील होता है। और भगवान ने मुझे ये दिए हैं पहले साक्षी और रिद्धू थे, तो वो भी ना मेरे सब बहुत करते थे, और अभी ये है तो आजकल तो ये मेरे बिना सोती भी नहीं है। और कल तो हम रात को 2 बजे सोए थे शादी वाला वीडियो देख के, पर आज मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था, मुझे समझ नहीं आया कि क्यों हो रहा है। वैसे भी तो मेरा तो डेली का सोने का टाइम यही है, लेकिन आज बहुत बुरा हाल हुआ। और साथ में गाइस, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ जाके भी फॉलो कर लेना, तो मैं अपनी आईडी आपको बता दूंगी। अभी ना हम दोनों हो गए हैं बेले, और इसको भी अभी फोन चलाने का टाइम मिला, तो मुझे भी तो थोड़ी देर के लिए हम फोन चलाएंगे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखेंगे यार कोई मैसेज वगैरह तो नहीं आए हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता यार इतना देखने का, और व्हाट्सएप पे भी जाने का टाइम नहीं लगता है। लेकिन व्हाट्सएप पे हमारा पता क्या होता है, सिर्फ आना और जाना, हम दोनों का यही है। कल रात को ना हमने मतलब मैंने इसको वो वीडियो दिखाया था अपनी शादी वाला, मतलब रामनगर वाली साइड से जो मेरी साइड से था, तो आज ये कह रही है कि यहाँ वाला देखना जो इन्होंने बनाया था वीडियो, तो अभी हम वो लगाएंगे, तो 11 बज रहे हैं अभी, 11 बजे लगाएंगे तो 2 तो आज भी बज ही जाएंगे, तो कोई बात नहीं। ऊपर से ना छत पे आवाज आ रही है तो तनु भैया को भी ना रात को ही ऊपर चलने का पता नहीं क्या क्रेज होता है हमें डराने का, तो कोई बात नहीं, वैसे हम डरते नहीं है, हम बहुत स्ट्रांग है। हाँ हमें पता है एक भूत रहता है हमारे घर। हाँ तो अभी हम मैं लगाऊंगी शादी वाला वीडियो, तो इसको दिखा देते हैं और साथ में मैं भी देख लेती हूँ। और अभी ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं अपनी शादी वाली एल्बम का वो व्लॉग बनाऊं, तो कोई बात नहीं बना दूंगी मैं, लेकिन अभी थोड़ा बिजी हूँ तो उसके बाद मैं जरूर बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी शादी का व्लॉग जरूर दिखाऊंगी, विदाई का, तो आप सब भी देखना कितना इमोशनल है। मैं तो इमोशनल हुई थी, लेकिन श्वेता का भी ना देखने वाला हाल था। सो वो चीज मैंने ना कैप्चर नहीं की, अगर की होती ना सच्ची में
क्या होता श्वेता का उस टाइम, आप भी इमोशनल थी। हाँ उस टाइम तो मैं सच्ची में रो रही थी यार, मेरे को अपनी मम्मा की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। और ऊपर से मम्मा आज मिंदल चले गए ना, तो मैं पता नहीं यहाँ तो मेरा ध्यान मम्मा की तरफ था, तो मैं आज ना दिन में सोई थी 3 बजे करीब ना, मुझे सपना आया से बहुत अजीब सा, और इसे मम्मा आए, मम्मा कहते कि मैं ना वापस आ गई हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मम्मा वापस क्यों आए, पता नहीं उन्होंने मुझे क्या कहा, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मम्मा ना ऐसे थोड़े टेंशन में थे, ऐसे रो रहे थे, और यार मतलब मेरी आंख खुल गई यार क्या हो गया, और इतना अजीब सा सपना। तो फिर मैंने मम्मा को कॉल किया लेकिन मम्मा का फोन नहीं लग रहा है, और मम्मा ने मुझे जाते टाइम ये कहा था कि मैं खुद देखो किसी ना किसी के फोन से कॉल कर दूंगी, तो मम्मा का मुझे कॉल नहीं आया अभी तक, तो कल देखते हैं अगर कॉल नहीं आता तो, नहीं तो फिर मैं खुद किसी ना किसी से नंबर लेके उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। वैसे मुझे ना बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है मम्मी की, तो अभी मैं श्वेता को लगा के देती हूँ ये। तो गाइस अभी इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर कल सुबह 11 बजे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।